नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपने अपने परिवार के रोल पैंड बहुत अच्छे से और खास ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कुछ बातें आपसे क्लियर कर दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए। तभी ना मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ कर दीजिए ना दोस्तों सब्सक्राइब, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। एनीवे, चलिए अब मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्रीमियर मिस्टर डकफोर्ड ने लाइसेंस प्लेट रिन्यूअल फी मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए कैंसिल कर दी थी। इनफैक्ट जो लोगों ने पे किया उनको वापस रिफंड भी आ गया, मुझे भी आ गया। लेकिन इनमें एक कैच है दोस्तों, कैच ये है कि फ़ी आपकी रिमूव की गई है, प्रोसेस नहीं। तो अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे, ऑल्दो रिन्यूअल फ्री है, आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया और आप पकड़े गए तो हेफ्टी फाइन लगेगा। किसी को लगा ऑलरेडी और ये न्यूज़ में छपा तो लोगों को, आज मैंने देखा कि साइट पे इतने लोग भीड़ गए थे कि मैं भी जब गया साइट पे रिन्यू करने तो 10 मिनट का वेटिंग था, इतने ज़्यादा लोग एक साथ भिड़े थे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप ये कीजिए कि आप अपना वैलिडिटी चेक करिए और अगर आपका ड्यूरेशन में आ गया है तो अप्लाई कर लीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करना फ्री है, बिल्कुल आराम से हो जाता है। तो मैंने किया, मेरा बिल्कुल ही आराम से हो गया। तो ये काम आप भी करें। आपको उसके लिए वो व्हीकल ओनरशिप का जो नंबर होता है वो चाहिए होगा, अपना लाइसेंस प्लेट का नंबर हो चाहिए होगा, और अगर आपका एड्रेस चेंज वगैरह नहीं होता तो बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आप उसमें अपना ईमेल डाल सकते हैं, उसमें आपको रिसीट भी आ जाएगी। मैंने किया, तो अगर आपने ये काम अब तक नहीं किया जाके कीजिए, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कीजिए। धन्यवाद।